आर्मी में थोड़ा मतलब आर्मी का ज्वाइन करना, तो शुरू में से मतलब थोड़ा दौड़ उड़ कहीं सब वगैरह मतलब सब चलता है, तो आर्मी का मतलब सोच हम लोग का ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा पढ़ाई पर उतना नहीं मतलब तो फोकस किए, फिर अब यही मतलब कर रहे हैं। बी ए मतलब किए थे ज़्यादा, हम बी ए में फॉर्म डाले थे, मेरा द्वितीय था, तो फिर बी ए का नाम बी ए मतलब था, तो फिर उसमें ए भी नाम लिखा जा रहा है, फर्स्ट में लिखाना है। जब व्यक्ति का चित्त कई दिशाओं में बढ़ जाता है, जब उसके दिमाग में स्पष्ट कोई नक्शा नहीं होता, मानचित्र नहीं होता, तो कैसे वो किसी स्थान पर पहुंच सकता है? तुम्हारे मस्तिष्क में अभी कोई चित्र नहीं बन पाया सही कि कहां मुझे जाना है, कोई नक्शा नहीं है, तो ऐसे में तुम बिल्कुल भ्रांत रूप में जियोगे। कुछ भी करने के पहले बहुत अच्छा से सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके सभी पहलुओं की जांच कर लेनी चाहिए, और जो उस क्षेत्र में प्रवीण हैं, आगे निकले हुए हैं या कुछ किए हुए हैं, उनके अनुभवों को भी लेना चाहिए, क्योंकि आदमी कभी ऐसा होता है ना कि अभी जो चाहता है जब वहाँ जाता है तो फंसा हुआ महसूस करता है। जैसे तो मिलिट्री में जाना चाह रहे, उदाहरण के लिए कई लोग जो मिलिट्री में भर्ती हो चुके हैं, काम कर चुके हैं, रिटायर भी हो चुके हैं, वे ये महसूस करते हैं कि वहाँ तो बड़ी घुटन होती है, खड़ा रहो एक ही जगह, छुट्टी चाहो तो छुट्टी नहीं मिलेगी, इसी में कितने लोग आत्महत्या भी कर लिए हैं और मार भी दिए हैं अधिकारियों को। तो उसके सारे पहलुओं को जानना जरूरी होता है, तब एक स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि मुझे वास्तव में कहाँ जाना चाहिए। तत्काल आवश्यकता तो कुछ हो सकती है मनुष्य की, ये तत्काल मुझे ये कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद यदि कुछ प्राप्त हो गया तो फिर मुझे अब ये कर लेना चाहिए, एक तो इस तरह का भी स्टेप होता है, इस तरह से भी आदमी बढ़ता है कि जो मिलता जाता है उसको देते जाते हैं, और एक ये होता है कि वो काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से वो सोचता है कि मुझे यही करना है, तब वो पूरा फोकस हो जाता है, उसकी ऊर्जा उसमें बढ़ती है, तब वो कहीं पहुंचता है। तुम्हें यदि कोई घर बनाना है तो तुम्हारे दिमाग में नक्शा स्पष्ट होना चाहिए, तभी तुम घर बना सकते हो। बहुत लोगों के पास पक्के घर नहीं है, पता है, इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में स्पष्ट मानचित्र नहीं है उसका, कि कमरा किधर होगा, खिड़की किधर होगी, कितना बड़ा आकार उसका होगा, डिजाइन कैसा होगा, उसका स्पष्ट मानचित्र नहीं है। आज कितने लोगों के पास कारें नहीं है, एक आध झलक उनको लगता है कि ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, परंतु स्पष्ट मानचित्र नहीं होता। जब तुम कोई स्पष्ट मानचित्र दिमाग में बनाओगे कि मुझे यही करना है, और उसके लिए फिर पूरी योजना बनेगी, पूरी ऊर्जा तुम्हारी लगेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और इसी तरह से व्यवहार तुम कुछ भी करने लग गए तो फिर कुछ भी जैसे हो जाओगे, कुछ भी करोगे तो कुछ भी जैसे ही तो होगे। अगर तुम्हें कुछ विशेष होना है जो तुम्हारी अपनी पसंद का हो, तो अपनी पसंद के हिसाब से तुमको पूरे कार्य रूप की योजना बनानी पड़ेगी। और अधिकतर मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, अधिकतर सोचते हैं कुछ भी हो जाओ, जो मिलता है हो जाओ, बाद में फिर पछताते हैं। कोई डॉक्टर बन के भी पछताता है, पछताना तो हर हाल में है, इतना तो पक्का जान लो। तुम कुछ भी बन जाओगे इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि बिना पछताए रहोगे, क्योंकि कुछ भी बनोगे तो एकांगी तो बनोगे, अन्य चीज़ों से तो वंचित हो जाओगे। तो मनुष्य जो कुछ भी तुम जिसमें सोचते हो कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, वैसा सोचो, डिजाइन करो, हालांकि मिलेगी नहीं, लेकिन इस वक्त तुम जो सोचते हो संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम कुछ भी चाहे बन जाओ, ये यथार्थ सत्य है। परंतु इस वक्त जो तुम्हारी चेतना है, सोचने समझने की जो स्थिति है, जिससे तुम सोचते हो कि मैं ये हो जाऊंगा, तो फिर तुम उसके हिसाब से कार्य करो, समझ गए? संतुष्ट तो चाहे कोई प्रधानमंत्री बन गया, वो नहीं हुआ,
मुख्यमंत्री बन गया वो नहीं हुआ, टाटा बिरला अंबानी बन गया वो नहीं हुआ, तो छोटी मोटी नौकरियां से क्या कोई संतुष्ट होगा? चाह तो तमाम है, हुआ एक काम, बाकी के लिए तो मन भटकता रहे। हाँ तो बाकी के लिए तो होगा ना, जो पहलवान बन गया वो विद्वान नहीं बन पाया, वो उसी में अपने को घुटन महसूस करेगा। जो विद्वान हो गया वो पहलवान नहीं बन पाया, वो वहां पर अपनी कमजोरी महसूस करेगा। जो वादक बन गया वो गायक नहीं बन पाया, जो गायक बन गया वो वादक नहीं बन पाया। तो हर जगह तुमको कमी महसूस मालूम पड़ेगी। मोहन राकेश का नाम सुने हो तुम लोग? मोहन राकेश नहीं सुने तुम लोग? असल में साहित्य से लगाव नहीं है ना। मोहन राठौर तो गायक है ना, संगीत से लगाव इसलिए तुरंत पहुंच गया जगह पे। मोहन राकेश जो है साहित्यकार है, उनका एक उपन्यास है आधे अधूरे। उस उपन्यास में उन्होंने सभी के जीवन का चित्रण किया है और हर एक मनुष्य को बताया है कि ये अधूरा ही मनुष्य होता है। और जब हम अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेंगे कि हम ऐसे इतने ही हो सकते हैं, तो ही हम अपने जीवन को संतुष्टि से ले जा पाएंगे। और अधूरापन हर स्थिति में होते, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, हार्दिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर, हर स्तर पर जो है मनुष्य कुछ न कुछ अधूरापन महसूस करेगा। सिर्फ परब्रह्म परमेश्वर के साथ एकत्र हो जाने के बाद ही उसका अधूरापन मिटता है, उसके पहले कभी नहीं मिटता। कुछ भी कर ले चाहे वो, पूरी दुनिया का भी बादशाह उसको बना दिया जाए तो अधूरा ही महसूस करेगा वो। और कितनी भी संपत्ति हो जाए वो अधूरा ही महसूस करेगा। और संपत्तियां फिर छोड़ने भी लगती हैं, खर्च भी होती हैं, फिर छूटने भी लगेगा। तो जैसे जैसे उम्र ढलेगी संपत्तियां छूटने लगती हैं, वो ट्रांसफर होने लगती हैं तुम्हारे से तुम्हारे लड़के में, समझे? उस वक्त उसका स्वामित्व तो इसी स्थान पर ही बदलने लगता है और तब व्यक्ति अपने को बहुत ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसकी निर्भरता बदलती जाती है, अपने बलबूते नहीं रह जाता है वह, तो हताश होने लगता है। खैर अभी तुम जहाँ पर हो, अभी तुम युवा हो, अभी तुमको कुछ करना है, हाँ उससे सीखना है, आगे चलना है, तो कम से कम सीखने का जो प्रयोग है वहाँ तक तो जाओगे। अभी ज्ञान की उस सीमा को तो तुम नहीं छुपाओगे ना, वहाँ तो स्पर्श तुम्हारा नहीं होगा। तो अभी जहाँ तक सोचा जा सकता है, इस उम्र में जो अधिकतम अच्छा सोचा जा सकता है वह तुम सोचो और उसको करो। बीसों दिशाओं में हाथ पर नहीं मारो। हाँ तुम्हारा कोई शौक हो सकता है, क्योंकि मनुष्य यदि कुछ करता है तो उसको फिर उसे कुछ ब्रेक भी चाहिए होता है, माइंड को एक ब्रेक भी चाहिए होता है। मूलतः माइंड हम लोग के दो तरह का है, एक जो विचारात्मक है और एक जो भावात्मक है। तो विचारात्मक जो मस्तिष्क है वह तुम्हें आजीविका की ओर ले जाता है और विश्लेषण की शक्ति देता है, गणित की शक्ति देता है, गणित से ही मनुष्य जीता है। और भावात्मक जो माइंड है वह उस जीने की क्वालिटी को बढ़ाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो तुम कोई भी विचार करोगे, किसी भी जीव में जाओगे, एक भावात्मक पक्ष की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आदमी प्रेम में पड़ता है, क्योंकि वह भावात्मक पक्ष है। संगीत में पड़ता है, वह भावात्मक पक्ष है। साहित्य में पड़ता है, चित्रकला में, शिल्प कला में, इसमें पड़ता है, ये सब भावात्मक पक्ष है। तो कोई एक हॉबी शौक विकसित करता है आदमी, कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने भावात्मक सुरक्षा के लिए।
कि हम लोग की भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं और हम लोग का जीवन का जो गुण है वो उसमें ज़्यादा प्रकट होता है, उससे हम ज़्यादा तृप्ति महसूस करते हैं। इससे तो बस हम अपने जीवन को चला लेते हैं विचारों की ताकत से। ये जितने भी लोग हैं जो जिन्होंने कुछ भी उपलब्धि हासिल की है ये सब विचार से ही हासिल किए हैं, ये विचार कर्म में बदलते हैं, उनसे वो हासिल किए हैं। लेकिन वे उनसे क्या पाना चाहते हैं यदि उनसे पूछा जाए तो वहाँ पर भाव आ जाएगा। जैसे रुपया कमाओगे, रुपया से कमाओगे क्या करोगे, क्या पाना चाहते हो, फिर वह जो बताएगा कि मैं अमुक चीज़ पाना चाहता हूँ तो वो अमुक चीज़ क्यों पाना चाहता है। जैसे मान लो कोई कहता है मैं भोजन पाना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, तो प्रश्न उठेगा क्यों खाना चाहते हो, तो भूख लगती है, उस भूख को मिटाने के लिए। तो वहाँ भूख जो है ना वो भावात्मक पक्ष हो जाता है। तो अंततः जो है मनुष्य अपनी तृप्ति के लिए भावात्मक पक्ष पर आता है। तो कुछ भी करोगे तो तुम्हारा एक भावात्मक पक्ष होना चाहिए। वो कुछ भी, चाहे तुम नृत्य कर लो, चाहे बजा लो या गा लो, हाँ, या कुछ लिख लो, मतलब जो जिससे तुम्हारे आमदनी का जरिया जो ना हो। अगर भावात्मक पक्ष आमदनी का जरिया हो गया तो फिर वो भावात्मक पक्ष नहीं रहेगा, ये भी जान लेना। अगर तुमने कला को बेचना शुरू कर दिया तो फिर वो भावात्मक पक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम उसे एंजॉय नहीं कर सकते। भावात्मक पक्ष का मतलब कि उससे हमको एंजॉयमेंट आता, आनंद आता हो। और आनंद को जब हम धन में बदलते हैं, संसाधन में बदलते हैं, तो वो नहीं रह जाता फिर। तो बहुत लोग हैं जो कि उसको आजीविका में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि भावात्मक पक्ष की भी मांग है ना, प्रेम की भी मांग है। तो प्रेम जब मांग के रूप में आ जाएगा तो वो वासना का रूप धारण कर लेगा, समझ रहे हो, और फिर वहाँ उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। तो फिर वह जो है वो उसको आनंद नहीं दे सकता, वो उसको हल्के फुल्के सुखानुभूति दे सकता है, आनंद नहीं रहेगा, जो क्षीण हो जाएगी, क्षण भर के लिए होगी, और उसको फिर वो कष्ट देगी, उसका परिणाम जो है वो कष्ट में होगा, दुख में होगा। तो इस चीज़ के लिए एक ऐसा पक्ष रखो अपने जीवन का जिसको कि तुम धन में संसाधन में नहीं बदलते हो। वो चाहे कोई पक्ष हो, कितने लोग पशु पालते हैं, इसलिए नहीं कि उसे दूध दुहना है या उसे करना, हाँ, बल्कि उसके साथ उसका जो संबंध है वो उसको सुख देता है, आनंद देता है, उसको खिलाने में, पिलाने में, नहलाने में, इसमें उसको सुख मिलता है, उससे उसको कुछ लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अगर वो लाभ की दृष्टि उस पर रख दिया तो फिर वह एक आजीविका हो जाएगा, फिर उसमें आनंद खत्म हो जाएगा। जैसे तुमने गाय पाल लिया और मुझे इसे दूध दुहना है, दूध पीना है, तब वो गाय सुख नहीं दे पाएगी। गाय को सिर्फ पालने के लिए ही जब कोई पालता है, जब गाय के सुख के लिए पालता है कि गाय को इससे सुख मिले, तब वह गाय जो है सुख देती है। कुत्ते को कुछ लोग पालते हैं लेकिन इसलिए क्योंकि कुत्ता सुरक्षा देगा, घर में सुरक्षा देगा, भौंकेगा, चोरों को पकड़ेगा, तब वह कुत्ता सुख नहीं दे सकता। जब उसको सिर्फ पालने के लिए ही पाला जाता है, उसके सुख के लिए पाला जाता है, उसको सुख मिले, तब वह सुख देगा। हम लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं मनुष्य में और वे फिर वो सोचते हैं कि ये बच्चा बुढ़ापा में काम आएगा, वो बच्चा सुख नहीं दे सकता, कभी नहीं सुख देगा। जब हम बच्चे को एक भोग दृष्टि से देखते हैं और इस तरह से पालते हैं कि यह बच्चा जब मैं कमज़ोर पड़ूंगा तो ये मुझे मदद करेगा, जहाँ मैं कमज़ोर पड़ूंगा वहाँ मदद करेगा, जहाँ मैं थकूंगा वहाँ ये चलेगा, सहारा बनेगा, तब फिर तो आपने एक व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको पैदा किया, उसको पाला, और तब वह लड़का दुख देगा। उस मनोदशा से जब वो पाला जाता है तो वह दुख देता है, और जब हम उसको सिर्फ पालने के लिए पाल देते हैं जिससे उसको सुख मिले, तब उसे सुख रिटर्न अपने आप हो जाता है, तत्काल होता है। अधिकतर लोग शिकायत करते हैं, कह रहे बच्चे ऐसे हो गए, शादी हो गई तो ऐसे हो गए, वैसे हो गए,
अब जो है हमें वो नहीं दे रहे। इसके पीछे सारा कारण यही है कि उसने उसको इस लिहाज से पाला था, आगे इन्वेस्टमेंट करके पाला था, इन्वेस्टमेंट किया था, यह बाद में जा करके हमारा अच्छा रिटर्न बनेगा। जैसे मैच्योर हो जाता है ना पैसा, जब बैंक में जमा करते रहते हैं या किसी कंपनी के फंड में, कि अब मैच्योर हो गया पैसा, अब मुझे 3 गुना 4 गुना 2 गुना मिलेगा, उस लिहाज से लोग बच्चे को जन्माते हैं और पालते हैं। और होता क्या है कि अंत में वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, कंपनी भाग जाती है कंपनी भाग जाती है, धोखा दे देती है, आपके रुपये गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप पछताते हैं, रोते हैं, माथा पीटते हैं। उसी तरह से ये बच्चे वो जो जब शादी हो जाएगी उसकी ना, तो वो आ जाएगा, वो एक मामला वहाँ पर आ जाएगा, तो वो औरत जो है वही आकर उसको ले जाएगी, आपकी पूंजी को वो ले जाएगी, आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और फिर वो कष्ट मिलने लगेगा। तो इसी तरह से होता है, तुम अपने पिता के लिए कष्टकारी हो जाओगे, अभी नहीं हो, हो जाओगे अभी तुम सोच रहे हो कि ये हमारे स्रोत है, तुम अभी अपने पिता को स्रोत मानते हो अपनी सुरक्षा का, अपने आजीविका का, अपने जीवन का, आगे बढ़ने का। लेकिन जिस वक्त तुमको लगेगा कि मैं अब जीवन को पा चुका हूँ, उस वक्त वो लगेगा कि अब वो निरर्थक है, क्योंकि अब वे जीवन को पाना चाहते हैं, उन्होंने अपना जीवन लगाया अपने जीवन को पाने के लिए, तो उनके लिए तुम निरर्थक हो जाओगे, तुम्हारे लिए वे निरर्थक हो जाएंगे, और इस तरह से दुनिया के संबंध कड़वे हो जाते हैं। इसीलिए फिर वह बाद में कहते हैं कि बहुत दुखी दुख है दुनिया में। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि भक्ति भावना से, प्रेम से नहीं पालते हैं हम, जो पालते हैं सांसारिक संसाधन और भोग दृष्टि से पालते हैं, इस वजह से ही ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब भोग दृष्टि से हम कुछ भी करेंगे, कोई भी संबंध बनाते हैं भोग दृष्टि से, तो फिर वह दुख के कारण बन जाते हैं। तो पत्नी भी वही, जो बहुत विवाह के समय या विवाह के पूर्व इसके संबंध है उसको बहुत सुखकारी लगते हैं, वो बाद में बहुत कड़वी, पत्नी को देखना नहीं चाहता है। कुछ लड़के तो मैं ऐसा जानता हूँ जो अपनी पत्नी का नाम टेंशन रखे हुए हैं, मोबाइल में सेव करके टेंशन नाम से रखे हुए क्योंकि वो बराबर तनाव उत्पन्न कर देगी, क्योंकि उसके हर समय कुछ ना कुछ डिमांड होगी, और डिमांड हर समय तुम्हारी औकात से बढ़ के होगी, तो तुमको टेंशन हो ही जाएगा। सही बात। तुम्हारी जितनी क्षमता होगी, 1,000 रुपया तुम कमा रहे हो, तो उसकी मांग होगी 6,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, और तुलनात्मक भी होगा तुम्हें कष्ट देने के लिए, अन्य जो मर्द कमा रहे हैं उनसे तुम्हारी कंपैरिजन करते रहेगी, तुमको हर समय प्रेशर में रखेगी, दबाव में रखेगी, क्योंकि हर समय जब आदमी दबाव में रहेगा ना, तो नम्र हुआ जाएगा, वो दास बन जाता है। दास बनाने की एक टेक्निक होती है, ये मेंटल हरासमेंट होता है, जिसका प्रयोग भी अच्छा से जानती है कर्म। तो इतना मानसिक रूप से त्रस्त कर देती हैं कि आदमी फिर और कुछ नहीं कर पाता है, वो बस उसका गुलाम बन जाता है, उसके हाँ में हाँ करता है, क्योंकि वो उतना अपने को सामर्थ्यशाली सिद्ध नहीं कर पाता है। कोई भी पुरुष अपने को उतना सामर्थ्यशाली सिद्ध नहीं कर सकता कि औरतों की इच्छा पूरी कर दे। तुम कितना भी कमाओगे उसके लिए कम होगा, तुम 10 लाख कमाओगे वो 20 लाख खर्च कर सकते तुम इतना कभी नहीं ज्यादा कमा सकते कि उसकी इच्छा पूरी कर दो। इस चीज को वे अच्छा से जानती हैं, तो उस चीज के लिए वो इसलिए प्रेशर बनाती हैं कि ये कर नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर अपनी समस्या बताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, हाँ, और तब ये दीनहीन हो जाएगा, और जब दीनहीन हो जाएगा तो वो दास हो जाएगा। तुम्हारी जितनी निर्भरता होती चली जाती है भोजन के लिए उसके ऊपर, या तुम काम वासना के लिए उस पर निर्भर हो, उसके बगैर तुम निर्भर, तो फिर तो तुम उसके दास हो ही जाते हो। तो इस तरीके से वे दास बना देती है, और मनुष्य दास, पुरुष दास बन जाता है। उसी तरह से कुछ मामलों में वे भी दास बन जाती है, क्योंकि वे ऑर्डर तो दे सकते हैं कि ये लाओ ये लाओ, अगर नहीं दे तो वो क्या कर लेगी, झगड़ा ही करना पड़ेगा। और कितने पुरुष हैं जो झगड़ालू होते हैं फिर, क्योंकि एक सीमा तक ही कोई पुरुष जो होते हैं ना, कुछ जो है एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं, जिनमें पुरुषत्व की भावना ज़्यादा होती है, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनमें वो भावना नहीं होती वे तो सरेंडर कर देते हैं,
लेकिन जिनमें थोड़े बहुत कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जिनमें पुरुषत्व की भावना ज्यादा होती है, वे उल्टे पीटना शुरू कर देते हैं। एक सीमा तक जो है वो करेंगे बर्दाश्त और मांग पूरी करेंगे, उसके बाद फिर वो मारने लगते हैं। तब वो भी समझ जाती है कि हमारा दायरा कहाँ तक है, हमारी मांग कहाँ तक जा सकती है। तो फिर वहां पर वह भी जो है निर्भरता उसके ऊपर अपना वहाँ सिद्ध हो जाता है कि ये इस पर निर्भर है, उसके घर में रहने के लिए निर्भर है, उसकी सुरक्षा के लिए निर्भर है, उसकी कमाई पर निर्भर है। तो यानी दोनों एक दूसरे के दास हो जाते हैं। तो इसलिए भीतर में पति को न पत्नी से न पत्नी को पति से प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ आनंद सुख नहीं हो सकता है। दोनों दूसरे के लिए जासूसी भी करेंगे, एक दूसरे के प्रति शंका से भरे रहते हैं। तो संसार के जितने संबंध हैं ये सारे संबंध चूंकि भोग दृष्टि से बने हुए हैं, भाइयों के संबंध और इसके सब, तो सब हड़पना चाहते हैं। एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति हड़पना चाह रहा है, उसके हक को छीनना चाह रहा है, सिर्फ भोग दृष्टि से। और क्या कि थोड़ी सी जमीन मुझे ज़्यादा मिल जाएगी तो मैं कुछ ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा, वो ऐसा सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि इससे प्रेम संबंध समाप्त हो जाएंगे, प्रेम घट जाएगा। और प्रेम से ही जीवन है, जीवन का जो वास्तविक मूल्य है वह प्रेम में है। और उस चीज़ को लोग खो देते हैं, संसाधन को तवज्जो देते ज़्यादा और प्रेम को तवज्जो कम देते हैं, और यहीं पर गलती हो जाती है। तो जीवन को बहुत गहराई से जैसे जैसे समझोगे तुम वैसे से देखोगे कि आजीविका तो ठीक है अपनी जगह पर जीवन को चलाने के, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है बढ़ाने के लिए वो प्रेम ही चाहिए, और वह त्याग से ही होता है। तो जीवन में कोई एक अच्छा ऐसा शौक रखो, कोई कमाई का जरिया नहीं रहो, और जो तुम कमाई दे रखो तो उसका नक्शा स्पष्ट करो। जो भी तुम्हें कमाई करनी है, जिस भी तरीके से जीना है, उसका नक्शा स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट नक्शा वाला ही पहुंचता है लक्ष्य पर। ऐसे नहीं कि कुछ भी बन जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो कौन से डॉक्टर बनेंगे, एक प्रश्न उठेगा ना। डॉक्टर तो हर तरह के डॉक्टर है, BMS वाले भी डॉक्टर हैं, BUMS वाले भी हैं, BHMS वाले भी हैं, MBBS वाले भी डॉक्टर हैं। तो तुम्हें कौन सा डॉक्टर बनना है उसमें भी फिर, हाँ पशु भी है, पशु वाले भी हैं, उसमें फिर सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, कई है। तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो मिलिट्री में जाना है तो उसकी स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए। मिलिट्री में तुम्हें सिपाही बनना है कि तुम्हें मेजर जनरल बन रहा है कि कर्नल बनना है कि ब्रिगेडियर बनना है, स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए ना। कि कमांडो बनना है, उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ तुम्हारी इच्छा में है उसकी स्पष्ट धारणा बनाओ, तभी तुम उसको पा जाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। जिनकी स्पष्ट धारणा होती है वे ही पा पाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी स्पष्ट धारणा है तो तुम पा ही जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे स्पष्ट धारणा वाले बहुत हो सकते हैं और पद कम है, तो उनमें से जिनका बहुत ठोस होगा वही होंगे, जो बहुत पात्र होंगे वही होंगे। तो स्पष्ट धारणा से नहीं होगा, बल्कि स्पष्टतम धारणा जो होगी वो वहां सफल होगा। बहुत बड़ी आबादी वाला देश है ना यह, 100 वैकेंसी निकलती है तो कई लाख लड़के अप्लाई कर देते हैं और उस कई लाख में से तो कई हजार तो ऐसे होते ही हैं जो वास्तव में प्रतियोगी होते हैं, उसमें से 100 लोगों को लेना है। हाँ, तो कठिन से कठिन हो जाता है। तो तुम अपने को वहां पर फोकस करो तब होगा। इसी तरह से चलता फिरता कुछ भी मत बनाओ। और तुम लोग कोई जिज्ञासा है? बस ये आपसे मिलने की चाह थी, इतना कुछ सीखने को मिल जाता है लोगों के साथ। असल में ये स्वाभाविक है सभी प्राणियों के लिए कि मनुष्य कुछ ना कुछ अवश्य जानना चाहता है, क्योंकि अज्ञानता ही दुख है। जब तक तुमको लगेगा कि अभी मुझे कुछ और जानना बाकी है, तब तक दुख रहेगा, भीतर से कुछ ना कुछ कचोटता रहेगा। तो जानने की इच्छा ये बलवती होती चली जाती है उत्तरोत्तर, जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है वो जानने की और इच्छा होती चली जाती है। तो पूरा जब ज्ञान का सारा परिदृश्य खुल जाता है तुम्हारे लिए, तब फिर उसमें से
विशेष ज्ञान यानी विज्ञान सामने आता है, जो विशेष नियम होता है, ज्ञानों का जो सार है, जो अनुभूत ज्ञान है, फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में तो ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सामान्य से कोई जानकारी हो गई, हाँ कहीं कुछ सीख लिया, मोटरसाइकिल बनाना चलाना सीखना, ये सब भी तो ज्ञान ही है। लेकिन उसमें से वह ज्ञान जो तुम्हारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ा दे, तो तुम्हारे जीवन के स्तर को ऊंचा कर दे, और तुम किस चीज़ से बने हो, कैसे बने हो, तुम्हारी संरचना क्या है, और वे कैसे आपस में संबंधित हैं, और उनके प्रभाव क्या हैं, वे कैसे अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी कैसी क्रियाएं हो रही हैं, कैसी भावनाएं प्रकट होती हैं, इन सब को भी जानना पड़ता है। ज्ञान का मुख्य तो धीरे धीरे अपने पर आता है, क्योंकि तुम जो हो उसी के हिसाब से ही ना तुम कुछ ना कुछ खोजते हो, चाहे तुम मोटरसाइकिल खोजो या साइकिल खोजो या जो भी खोजते हो, तुम्हारे भीतर ही कोई डिमांड उठती है ना कहीं अतृप्ति जो है वो तुम्हें बाहर ले जाना चाहती है, उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ अगर मिल जाए तो मैं कुछ अपने को संतुष्ट कर लूँगा, कुछ भर लूँगा, मेरे में जो कुछ खालीपन है उसको भर लूँगा, क्योंकि खालीपन से उसको डर लगता है, कुछ ना कुछ भरना चाहता है वो, तो वह कुछ कुछ ला ला के भरता रहता है। परंतु इसका दिमाग इतना बड़ा होता है कि उसमें कितना भी तुम भरते जाओगे ना, तो वो खाली जैसा खाली से पड़ा रहता है। हर समय तुमको लगेगा कि मैं, क्योंकि किसी चीज़ को इकट्ठा करने में तो समय बहुत लगता है ना, बहुत मेहनत परिश्रम बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन सोचने में तो समय नहीं लगता ना, सेकंड में सोच लो कितनी चीज़ों को, लेकिन सेकंड में तुम कितनी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये जो टाइम गैप होता है सोचने और करने में, विचार और कर्म में जो समय का जो गैप हो जाता है, अंतराल हो जाता है, यह बहुत कष्टकारी और बहुत तप वाला होता है। तो जो तुम्हारी मांग है वो हर समय आगे चली जाती है, और जो जितना मांगता है ना वो उतना ही दरिद्र होता है। दरिद्रता का पैमाना इसी से होता है, तुम्हारे में जितनी ज़्यादा मांग उठेगी उतनी ज़्यादा दरिद्रता है। गरीबी और अमीरी की जो परिभाषा है, ये दो तरीके से परिभाषित होती है। एक तो तरीका है संसाधन का, और एक तरीका है भाव का, यानी एक विचार का है एक भाव का है, दो माइंड हम लोग पास है। तो एक जो है कहता है कि जितना ज़्यादा तुम इकट्ठा कर लोगे उतना ज़्यादा तुम अमीर हो जाओगे, और जितना तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम्हारी अमीरी या गरीबी है, यानी जिसके पास ज़्यादा संसाधन है वो अमीर है, जिसके पास कम संसाधन है वो गरीब है। सामान्य परिभाषा यही है, अर्थ की दृष्टि से सामान्य परिभाषा यही। तो ये भौतिक संसार में गरीबी और अमीरी इस तरह से परिभाषित हो जाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक पहलू है, भावनात्मक जो इसका पहलू है, वह यह है कि जिसकी जितनी ज़्यादा मांग होगी, जो जितना ज़्यादा अभाव महसूस करेगा, वो उतना ही ज़्यादा गरीब है। जैसे कि मान लो कि तुम इतना अभाव महसूस करते हो कि मेरे पास 10,000 होता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन क्या टाटा भी 10,000 की बात सोचता है? नहीं सोचता है। वो तो प्रति सेकंड 10 करोड़ की सोचता होगा। तो इसका मतलब है कि उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, वो आसानी से तृप्त होने वाला आदमी नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत गरीब है। आंतरिक रूप से बहुत, हाँ आध्यात्मिक रूप से वो बहुत गरीब है, क्योंकि उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी चीज़ में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, तो उसकी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी असंतुष्टि बहुत बढ़ जाती है। सामान्य आदमी उतना असंतुष्ट नहीं होता जितना कि टाटा बिरला जिंदल ये सब होते हैं, मित्तल अंबानी ये सब बहुत ही गरीब है, परंतु उनकी गरीबी आम लोगों को नहीं दिखती है, लेकिन उनकी गरीबी उनको अवश्य दिखने लगती है वहाँ पर, क्योंकि उतना अभाव महसूस करते हैं। तुम तो ये सोचते हो कि मेरे पास ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन उनके पास तो वे सब हो चुके हैं, और उसके बाद होता है कि अब मैं क्या करूँ कि मैं सुखी हो जाऊँ, क्योंकि इतना होने के बाद भी मैं नहीं रह सकी। तुम तो सोचते हो कार हो जाएगा सुखी हो जाएगा, उन्होंने तो कार की फैक्ट्रियाँ खोल ली,
सरकार की फैक्ट्रियां खोल ली फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, हजारों हेलीकॉप्टर कर लिए, संख्या बढ़ा दी, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं। तो वे वहाँ बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, और उससे वो हट भी नहीं सकते वहाँ से, उनका दुख इतना बड़ा हो जाता है कि जो संसाधन है जिनको उन्होंने इतने परिश्रम से, इतने बुद्धि से, इतने तिकड़म से इकट्ठा किया है, हाँ, उसको वे कैसे फिर छोड़ें, छोड़ेंगे तो पुनः दरिद्रता आ जाएगी संसाधन वाली। तो अब उस दरिद्रता की वजह से जो उनको डर लगता है जहाँ से उठ करके आए वहाँ से पुनः वहाँ जाने में डर लगता है, तो अब उनको आगे का रास्ता नहीं दिखता, पीछे का रास्ता नहीं दिखता। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई हिमालय की एकदम चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए, ऊपर में एकदम शिखर पर पहुंच जाए, अब वहाँ वो कितनी देर रह सकता है, चढ़ने का गुमान तो उसे हो जाएगा, सेकंड भर, क्षण भर, एक मिनट, दो मिनट, वो वहाँ कितनी देर रुकेगा, अब आगे जा नहीं सकता, ऊपर और है नहीं चोटी, और अब वहाँ वो टिक नहीं सकता, और उसको मालूम है कि मुझे नीचे उतरना है पुनः वहीं जाना है, और उसी शिखर में बैठा हुआ है, और तो वहाँ से अब उसका रास्ता नहीं दिख रहा है, उसका अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है वो, तो वो उस तरह से परेशान हो जाता है बहुत। वहाँ से एक ही रास्ता होता है, अध्यात्म का जो रास्ता है ना, वही एक रास्ता है, हाँ, जिस रास्ते को बुद्ध ने चुना, महावीर ने चुना, वह रास्ता होता है कि जहाँ पर आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, वर्धमान आनंद होता है, लगातार बढ़ता, कभी घटता नहीं, और न कभी वहीं पर टिका रहता है। अगर टिका रहेगा तो उसको ज्ञान कहते हैं, अखंड आनंद, लेकिन भक्ति में लगातार वृद्धि होती रहती है, अनंत तक वृद्धि होती रहती है। तो जब तक वह स्थिति नहीं आ जाती है तब तक मनुष्य रीता रहता है, और भीतर से कहीं ना कहीं उसे लगता है कि इसका अभाव है, लेकिन भक्त को कभी अभाव नहीं मालूम पड़ता, वो सदैव भाव में रहता है, जितना पर्याप्त है उसको, जो भी मिल गया, जो भी प्राप्त हो गया, उतने में उसके लिए पर्याप्त, तो हर चीज़ जो उसको प्राप्त है वह उसके लिए पर्याप्त। ये है अध्यात्म का विज्ञान, और इससे ही मनुष्य संपूर्णता को पाता है। तो उपनिषद में कहा गया है, शांति पाठ में अगर उपनिषद को पढ़ोगे तो ओम पूर्णम इदः पूर्णम इदम् पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव वशिष्यते, कि वह परमात्मा जो है पूर्ण है, उस पूर्ण से जो निकलता है वह पूर्ण होता है, और उसको पूर्ण इस कहा गया है, उस निकलने के बाद जो बचा रहता है वह पूर्ण है, उसकी पूर्णता में किसी प्रकार के कभी कोई अपूर्णता नहीं आती, हर स्थिति में पूर्णता होती है, और जब तक वह नहीं होता है तब तक आदमी चलता है, तब तक वह विकास करता रहता है। विकास की बात होती है ना बहुत कि हम विकास करेंगे, विकास विकास का मतलब है कि अभी हम संतुष्ट नहीं अपनी स्थिति से, अब हम और आगे जाएंगे, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी संतुष्ट नहीं, फिर हमको और आगे जाना है। जब तक व्यक्ति विकास की अवधारणा को धारण करता है तब तक यानी अपने प्रति वो जो संतुष्ट नहीं रहता है, तब तक वो सोचता है अब मैं यहाँ हूँ तो कल वहाँ चला जाऊँगा, कल वैसा हो जाऊँगा, परसों वैसा हो, ऐसा वो सोचता रहता है, यानी स्वयं के प्रति वो असंतुष्ट। और जब तक स्वयं के प्रति तुम असंतुष्ट हो तब तक तुम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते, तुम दुखी ही रहोगे। तो जो भी संतुष्ट करना जरूरी है, स्वयं के संतुष्टि से ही, जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक तुम जो है कभी भी दुख से मुक्त हो ही नहीं सकते, असंतुष्टि ही तो दुख होता है। और जब हम विकसित होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो जो भगवान की खोज में निकले हैं तो उनको इसका मतलब लगता है कि मुझे भगवान प्राप्त नहीं, भगवान का अभाव है, तो वो अभी फिर दुखी होते हैं, काफ़ी व्यग्र होते हैं। लेकिन जो ईश्वर जो है सब जगह विद्यमान है, ईश्वर जो सब चीज़ है, ईश्वर जो हर काल में है, उसका अभाव कहाँ है, कहीं अभाव नहीं है, वो अभी है, यहाँ है, इसी समय है, इसी क्षण है, मन में तो हर समय। तो जब हर समय वो है तो उसे फिर कहाँ खोजना, क्यों खोजना। तो बस हम लोग की जो कामनाएं हैं, सांसारिक कामनाएं, इसकी वजह से ही ईश्वर प्रकट नहीं होते हम लोग के लिए।
मनुष्य सोचता है ईश्वर प्रकट हो जाए, लेकिन क्या ईश्वर की तुम्हें आवश्यकता महसूस होती है? नहीं महसूस होती है। तुम्हें आवश्यकता महसूस होती है रुपये की, तुम्हें आवश्यकता महसूस होती है किसी लड़की की आवश्यकता महसूस होती है, किसी पद की आवश्यकता महसूस होती है, किसी रिश्ते की आवश्यकता महसूस होती है, घर की आवश्यकता महसूस होती है, पानी की आवश्यकता महसूस होती है, हवा की आवश्यकता महसूस होती है सांस के लिए, लेकिन कभी भगवान की आवश्यकता महसूस होती है? नहीं महसूस होती है। इसका मतलब कोई तुम्हारी डिमांड ही नहीं है, और जब डिमांड नहीं होती है तो क्यों पूर्ति होगी? जब कोई मांग ही नहीं है तुम्हारी तो पूर्ति क्यों होगी? जब तुम्हारा कोई अंश मांग ही नहीं रहा उस चीज़ को, तो कोई अंश उसको ग्रहण कैसे करेगा अगर उपलब्ध भी है तो? क्योंकि मांगने वाला ही नहीं ग्रहण करेगा। तो जब तुम्हारे से में कोई मांग ही नहीं उठी तो उसका ग्रहण भी नहीं उठेगा। इसलिए ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त होते हुए भी वे प्राप्त नहीं है, क्योंकि कुछ ही मनुष्य होते हैं ना जो कि उसकी तरफ चलना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, कि एक तो मनुष्य ही कम है, यानी जो मनुष्य रूप में दिखते हैं ये मनुष्य है नहीं, क्योंकि जो जो पशुवत व्यवहार कर रहा है वो मनुष्य कहाँ है? तो ये तो एक तो मनुष्य ही कम है। उन कम मनुष्यों में से बहुत कम होते हैं जो कि सिद्धि की ओर चलते हैं, मुक्ति की ओर चलते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और उन सिद्धों में जो मुक्त पुरुष हैं उनमें बहुत कम होते हैं जो कि भगवान कहते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं। तो बहुत ही कम अंश होता है समाज में जितने हैं जिनमें कि वह ईश्वर भाव आ जाता है, और लेकिन जिसकी मांग होगी तत्क्षण उपलब्ध होता है। परंतु वह मांग नहीं आ सकती शुरू में, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तुम अभी सामान्य चीज़ों को महत्व समझते हो, उसकी मांग को समझते हो, अभी तुम्हारी भूख हुई है, जब वह भूख समाप्त होगी तभी दूसरी भूख जागेगी। और अभी जो तुम्हारी भूख है उसके जो उसको तुम बहुत विज्ञान के साथ अगर तुम भोगते हो, बहुत चिंतन मनन के साथ और बहुत तर्क वितर्क के साथ और बहुत बोधपूर्वक, तो तुम उससे मुक्त हो सकते हो। कितने लोग हैं जो कि उसी में पड़े रहते हैं, वही काम करते रहते हैं बुढ़ापे तक, और उनको जो है एहसास नहीं होता कि मैं कुछ भी विकसित नहीं हो पाया। एक 80 वर्ष का आदमी भी एक छोटी चीज में एक 20 वर्ष के लड़के जैसे ही व्यवहार करता है, या उसके जैसे ही भाव का पक्ष रखता है, उसकी जैसी भावनाएं रखता है, तो इसका मतलब है उसमें अभी परिपक्वता नहीं आई, नहीं आई उसमें, वो सीखा नहीं अपने जीवन से भी कुछ, अभी वो उन्हीं इंद्रियों के जाल में फंसा हुआ है। 80 वर्ष का आदमी, 90 वर्ष का आदमी जो है, तुमको आश्चर्य होगा, हमारे पास आते हैं और जो है सेक्स वर्धक दवा की बात करते हैं और मांगते हैं, वो क्या पाएगा? तुमने अपने जीवन में वही किया और उसके बाद फिर तुम वहीं पर हो, उसी जगह पर हो। अगर उसके शरीर को पुनः अगर युवा कर दिया जाए तो फिर वही करता रहेगा, कुछ भी नहीं सिखाओ। तो जब उसकी अभी मांग वहीं तक है, अभी वो जो है अभी सबसे निचले स्तर पर वो अपने उन इंद्रियों पर वो अब टिका हुआ है उसका दिमाग, तो फिर अभी उसकी बड़ी मांग ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी बात होती है इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करें नहीं, तो वो उथला उथला रहता है। नहीं, उसने अच्छा से बोधपूर्वक उसको भोगा नहीं, अगर भोगा होता बोधपूर्वक, कंट्रोल की तो बात ही नहीं होती है, कंट्रोल करेगा कौन? हम लोग का जो मन है वही ना कंट्रोल करने वाला है, तो मन मन को नियंत्रित कैसे करेगा? वो अपने बहुत सूक्ष्म मन से करता है, और वह सूक्ष्म मन विवेक होता है, जब विवेक जागृत होता है तभी ऐसा होता है कि जो नियंत्रण की बात तुम कर रहे हो तो विवेक जागृत होने पर होता है। जब हम बोधपूर्वक किसी चीज़ को भोगते हैं, बोधपूर्वक यदि भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर हम उसे मुक्त हो जाते हैं, और नहीं तो उसमें फंसे हुए रहते हैं। अंधे रूप से कुछ भी कार्य करोगे तो फंस जाओगे, कुछ भी करोगे तो।
अंधे रूप से लोग भजन भी गाते हैं ना, तो उसमें फंस जाते हैं। बोधपूर्वक भजन भी नहीं गाते लोग, कीर्तन भी नहीं गाते, और हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि लोग भजन और कीर्तन गाने के भी जो है आजकल सट्टा करते हैं। अपना व्यवसाय बना लिया है, उसको भी एक व्यवसाय बना लिया है। जैसे कि कुछ लोग साधु महात्मा जी हैं भी हैं, तो जो अध्यात्म की जो ऊंचाई है उसको भी लोग जब व्यवसाय बना लेते हैं तो उनका पतन कितना ज्यादा हो जाएगा, सोच सकते हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा इस बात का, क्योंकि अब जो है उन चीजों में नहीं जो अपना व्यवसाय बनाया, और हमारी चाहत वही होती है कि हम इनसे मिलें, इनसे सीख मिलती है। कुछ लोग साधु महात्मा ऐसे हैं जो कि अपना खुद प्रॉफिट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो अपने भगवान को भी व्यवसाय बना लिया। बिल्कुल बना लेते हैं। मैंने कहा ना कि मनुष्य को भगवान की कोई आस्था नहीं महसूस होती है, उसको आस्था महसूस होती है संसाधनों की, इसलिए भगवान भी उसके लिए एक जो है एक वस्तु है जिसको वो बेचेगा। लेकिन जिसको वो भगवान को क्या बेचेगा, मतलब भगवान के जो की जो मान्यता है उसको वह बेचता है। गुरु जी, हम तो ये भी देखा है कि मंदिरों में जाते हैं, विंध्याचल देवी के मंदिर पे हम लोग गए थे कल घूमने के लिए, इनके साथ में गए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि आप 11 रुपये दीजिए तो उस माता जी का दर्शन होगा, वरना नहीं होगा। नहीं होगा, आप करिए, लेकिन आपको जल्दी से करा देंगे। इतना अजीब लगा, मतलब खुल के पैसा लाइन में लगने के बावजूद भी 11 रुपये मुझे दीजिए तभी उनका चरण स्पर्श हो पाएगा। हम सोचे मतलब उतना दूर चल के आए, भगवान तो अपने दिल के अंदर हैं, और आप मुझसे पैसा मांग करके हमें भी दर्शन दे रहे हो, दिला रहे हो, जैसे लग रहा है कि आप जो उनको प्रकट कर देंगे। और वहाँ तो जैसे भगवान की प्रतिमा है जी, वो तो प्रतिमा है, हमने तो बनाया प्रतिमा है, और अपनी शक्ल जैसे, और वो और वह जो है भगवान को जब हम सभी स्वरूपों में महसूस करते हैं तभी भगवान को हम यथार्थता महसूस करते हैं। और जब हम उनको सभी स्वरूपों में नहीं महसूस कर सकते, इस पेड़ में नहीं महसूस करते, पक्षी में नहीं महसूस कर सकते, सांप में मेढक में महसूस नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ है कि अभी जो है भगवान को हम यथार्थता नहीं जानते हैं। हाँ, और जो वहाँ जो विग्रह बनाया गया है, मंदिरों में जो विग्रह बने हुए हैं उसके दर्शन के लिए वहाँ पर पैसे जो वहाँ पर एक अधिकार जमाए हुए हैं, हाँ, तो वे उसको कमाने का धंधा बनाए हैं, तो वहाँ कर रहे हैं। बहुत बेरोजगारी का आलम है, यह बेरोजगारी की ये चरम सीमा होती है जब हम जो है भगवान के विग्रह को भी बेचना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ भगवती माता का मंदिर एक है गुरु जी, वहाँ पर कुछ दिन पहले रामकथा चल रहा था, तो रामकथा चल रहा, कुछ लोग अयोध्या से महात्मा लोग आए हुए हैं, दारू रखते हैं, वो लोग पूरे गाँव गाँव घूम घूम के चंदा मांग रहे थे। किस कार्य के लिए? रामकथा कहने के लिए। अच्छा, तो बोले आप लोग तो आए, आप लोग ही क्यों चंदा मांग रहे हैं भाई, गांव के लोग हैं, मांग के देंगे आपको। तो वो कथा प्रवचन करना चाहते हैं तो बैठ कर कहीं प्रवचन शुरू कर दो भाई। लेकिन प्रवचन को भी कुछ लोग धंधा बना लेते हैं, तो प्रवचन के भी पैसे मांगते हैं। वही है ना कि अगर आप कथावाचक होते हैं पैसे लेते हैं। वो अध्यात्म को तो कहने में रस आना चाहिए, तभी वो प्रवचन कहलाता है ना, जब मुझे कहने में वो रस आए। हाँ, और उसके लिए हम कोई उम्मीद नहीं करें कि उससे हमें कुछ मिले, क्या कबीर ने, क्या बुद्ध ने, क्या भगवान कृष्ण ने पैसे लिए प्रवचन करने के, हाँ, क्या वेद व्यास ने पैसे लिए, नहीं लिए, तो फिर ये सब क्यों पैसे लेते हैं, पैसे की मांग नहीं करें। हाँ, ये है कि जो सुनने वाला श्रद्धा से यदि वो कुछ अर्पित करता है वह बात दूसरी है, वह उसकी श्रद्धा का ख्याल रख करके तुम संसाधन ले लो बात दूसरी है, लेकिन उसकी अपनी तरफ से तुम मांग करो उस चीज़ की या इच्छा करो उसकी, तो वह गलत है। ये लालच हो जाती है ना? हाँ, वो लालच हो जाती है, वो भगवान का प्रसाद नहीं होता। नहीं, नहीं। हाँ, फिर तो धोनी तमाम हो जाता है। हाँ, तो उस तरह से हो जाता है, पतन इसीलिए होता है। तो इस देश में बहुत गुरुडम फैल गया है, अंधविश्वास बहुत गुरुडम फैल गया है, बहुत सारे गुरु हो गए हैं, फर्जी गुरु बहुत हो गए हैं, जो कि लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। बहुत पंडित पुजारी हो गए हैं, पुरोहितगिरी बहुत हो गई है, जो कि बहुत शोषण कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, उनको आता जाता भी कुछ नहीं है, विज्ञान तो दूर की बात रही, ज्ञान भी नहीं है। मंदिरों में जाके 51,000 रुपये और वे लोग थक रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं तरह तरह के, किसी का मदद नहीं कर सकते वो लोग। और सामान्य आदमी क्या करता है कि जो अपने पुरुषार्थ से हासिल नहीं कर पाता है तो वो सोचता है कि अदृश्य सत्ता से मुझे हासिल हो जाए, उसकी वह जो कामना होती है अदृश्य सत्ता से हासिल हो जाए, इसीलिए तो जाके फंसता है वहाँ। उसके फंसने के पीछे कारण यह भी होता है, तुम वहाँ जाते क्यों फंसने के लिए,
इसलिए जाते हो, तुम्हारे भीतर जो लालच है ना वह ले जाती है, तुम अंधे हो जाते हो, तुम सोचते हो कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए वह चीज़ जो मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए लोग जो है कुछ भी करने को तैयार होते हैं, मजारों में जाने जाने लगते हैं, नदी में डूबने लगेंगे, पेड़ को पूजने लगेंगे, कुछ भी करते हैं। पेड़ को पूजना पेड़ के लिए तो अच्छा है, लेकिन पेड़ को इसलिए पूजना कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ सही नहीं, सही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो जो बच्चे जा रहे हैं वो मुझे याद आता है अपने समय का, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब की बात है कि मेरा एक मित्र था, वो हनुमान जी के मंदिर जाता था और वहाँ बस वही मांगता था, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता था और वही कि हमें नौकरी मिल जाए, फलना हो जाए, ढिकना हो जाए। तो वो अक्सर जाता था तो मैं पूछता था कि वहाँ क्यों जाते हो, तो पता था कि इसलिए मैं जाता, मेरा काम बन जाता है यानी काम बनाने का वो एक साधन बन गया था। मैंने कहा अगर तुम इस उद्देश्य से जाते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मांगे अनंत होगी, तुम्हारी मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, तुम जिस चीज़ के पात्र नहीं हो उस चीज़ की भी मांग तुम करने लगोगे, हाँ, और वो पूरा होगा नहीं, तब फिर तुम कहोगे कि ये जो भगवान झूठा है, तो फिर तुम यही बोलोगे और कुछ नहीं बोलोगे। तुम ये नहीं कहोगे कि मैं पात्र ही नहीं हूँ, मैं खुद ही नीच हूँ, तुम ऐसा नहीं बोलोगे, तुम कहोगे कि वो भगवान ही झूठा है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी जो जो मांग होगी उसको पूरा करे तभी तो तुम भगवान मानोगे। इंसान अपने आप में गलती नहीं ढूंढता। तो और ऐसा ही हुआ, कुछ समय बाद जो है उसकी मांग बढ़ती चली गई, अंततः वो फेल हो गया, हाँ, बड़ी चीज में। तो सिविल सर्विसेज दिया था IAS बनने के लिए एग्जाम, उसमें फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो फिर वो मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसने मन्नत मांग रखी थी कि इतना इतना मैं हो जाऊंगा तो मैं ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा फलना टिकना। एक चीज मैं आजमाया हूँ गुरुजी, हमारे जो सेकंड वाले भैया हैं मेरे, वो भगवान को नहीं मानते हैं, जो आपसे हकीकत बता रहा हूँ, किसी भगवान को नहीं मानते, वहां तक अगरबत्ती नहीं दिखाए होंगे वो। और एक बार क्या हुआ था, जब वो 7th या 8th में पढ़ते थे तो गाजीपुर रूम लेकर रहते थे, तो हम लोग बड़ा पापा से बहुत ज्यादा डरते, अभी भी डरते हैं बहुत ज्यादा, पहले पापा हम लोग बहुत पीटते थे गलती से, बहुत डरते थे। तो भैया आए थे शनिवार को घर, संडे छुट्टी होता था, घर आ जाते थे गाजीपुर से, तो घर आए थे और घर से चले गए थे रूम पे, मतलब गाजीपुर रूम था बनारस, हाँ गाजीपुर में, यहाँ से गए और रूम का चाबी घर पे ही छूट गया उनके, और उनका जो स्कूल का बैग था वो इस रूम में था। अब वो गए पैकेट खोजने लगे, पैकेट में चाबी है ही नहीं रूम का, अब इतना ज़्यादा वो डरने लगे, इतना डरने लगे, तो हम लोग कुलदेवी हैं भगवती जी, उनको इतना मतलब अंदर से इतना डर हो गया कि पापा अब तो बहुत मार मारेंगे हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो अब पापा पर डे के स्कूल में जाकर पता करते थे कि MJRP में पढ़ते थे वो लोग, पता जा करते थे कि जा रहा है एक नई बच्चा स्कूल का, ऐसा आया परफॉर्मेंस कैसा, पर डे जाते थे स्कूल में, तो पता चला था आपका बच्चा नहीं आ जाए तो बता दे। इतना वो डर गए, इतना डर गए, डर के रोने लगे, भगवती माई हमारे कैसा हूँ ताला खुल जाए। तो यहाँ से वो साइकिल से गए थे और साइकिल के ऐसे ही मतलब एक मन में होता है ना मतलब लास्ट ऑप्शन अपना लिया जाए, तो साइकिल का चाबी उसमें लगाए और एक बार वो ताला खुल गया साइकिल की चाबी से, कोणार्क का ताला था उस समय, कोणार्क इतना बड़ा था, और साइकिल की चाबी से एक बार वो ताला खुल गया और वो बैग वो लिए अपना, और उसके बाद इस बैग वो लेकर के दूसरे का ताला बंद कर, उसमें ताला लगाया, ताला बंद नहीं हो रहा है, दूसरे का ताला लेकर बंद करके आए, उसके बाद भी उनको भगवती जी पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब हाँ भगवती माँ का आशीर्वाद से हुआ। 4-5 घंटा बैठ के उसको पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े दाएं बाएं घुमा करके 4-5 घंटा उसको खोले, आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा है, चाबी ला करके बंद करके फिर खोले, खुल ही नहीं रहा है, पर एक बार में कैसे खुल गया आखिर ये। उसके बाद उनको लगा कि हाँ लग रहा है कि भगवती माँ का थोड़ा सा आशीर्वाद था, उसके बाद उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि 4-5 घंटे तक उसने कोशिश किया खुल क्यों नहीं रहा है ये, उसमें तो खुल गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अगर दिल से अगर कोई आदमी निस्वार्थ भाव से अगर भगवान को याद करता है तो कहीं ना कहीं उसको मिलते हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं जो आपके लॉजिक का अतिक्रमण करती हैं जी। आध्यात्मिक शक्ति जो है ना वो आपका जो तर्क है, सामान्य विज्ञान का जो बोध है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसका अतिक्रम, इन भौतिक विज्ञान की जो अनुभूति हुई है, जो खोज हुई है, वो उन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से हुई है।
इन लोगों ने प्रयास उतने नहीं किए हैं वैज्ञानिकों ने, जितने कि उनको वो स्फुरण से हो गया है। इन भी वैज्ञानिकों का पढ़ोगे, चाहे तो मैडम क्यूरी का ही देख लेना कि उनको कैसे वो रेडियम का खोज की, हाँ, या अन्य का भी देख लेना, जितने भी आइंस्टीन हैं या जो भी हैं, इनको एक स्फुरण हो जाता है उस समय। और ऐसा तब होता है जब पूरा वो रिलैक्स होता है, पूरा समर्पित होता है। रिलैक्स होकर के जब व्यक्ति समर्पित होता है उस वक्त उसमें स्फुरण होता है, और तब उसे विशेष शक्तियाँ प्रभावित कर देती हैं, विशेष बोध करा देती हैं। और जो उसको एक ध्येय बना करके करता है, जो व्यापार बना के करता है, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो भी अंदरूनी शक्ति है ना, वो तभी खुल करके प्रकट होगी ना, जब तुम्हारे बाहर के जितने भरोसे हैं ना वे समाप्त हो जाए। तुम्हारे बाहर के भरोसे जिनके ऊपर तुम बहुत गुमान करते हो, वे जब समाप्त हो जाते हैं, तुम्हारा अहंकार वहाँ पर जो है चूक जाता है, तब वो स्फुरण होता है। अहंकारी व्यक्ति में वो स्फुरण कभी नहीं होता। इसलिए अध्यात्म की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि अहंकार का लोप हो जाना। तो एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तो उसको जैसे कि कैसे किया सकता है? कभी कभी हम इस चीज को करना चाहें और हमारा मन ही नहीं, जैसे कि चाहते हुए भी हम कोशिश करते भी हैं, लेकिन फिर अगर मन एकाग्र नहीं हो पाता है। ऐसा है कि ये जो मन की जो एकाग्रता है, यह काफी दुरु है। भगवान ने गीता में भी उपदेश दिया है, अर्जुन ने भी पूछा है मन की एकाग्रता के विषय में, कहा है कि बहुत ये काफ़ी कठिन है मन को एकाग्र करना। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा या चितेंद्रिय क्रिया उपविश आसने युंज्यात योगम आत्म विशुद्ध है। भगवान ने एकाग्रता के लिए बताया है कि तुम कैसे अपने को एकाग्र करोगे। तो उन्होंने कहा है कि अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, इन सभी को मुझ में तुम लगा दो, तब एकाग्र होगे। एकाग्र का मतलब एक पर टिक जाना, और एक तो सिर्फ एक, मैं जो सिर्फ ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। बाकी जितने भी तुमको एक दिखते हैं ना, वे वास्तव में एक नहीं है, उसमें अनेक है। कोई भी जो चीज़ तुम्हें एक दिखते हो, देखोगे कई कंपोनेंट्स से जुटे हुए हैं, कई पार्ट्स के हैं। जैसे मान लो कि यह टेबल है, तो यह टेबल जो है एक दिखता है ना, लेकिन इसके कई पार्ट है, कई लकड़ियाँ, इसको इधर उधर हटा दो फिर उनमें यह टेबल नहीं रह जाएगा। हाँ, मोटरसाइकिल है, इसके कई पार्ट है, उसको अलग दो, मोटरसाइकिल ख़त्म। तो जो भी तुमको एक दिख रहा है वो वास्तव में एक नहीं है। एक एक की जो सत्ता है वो तो सिर्फ ईश्वर की है, यानी एक, यानी वहाँ एक में संख्या में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही होना यहाँ एकमेव की स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझ में अपने मन को लगाओ, और तब जाकर के तुम एकाग्र होगे, इसके अलावा और कहीं एकाग्र नहीं होगे। बाकी सब उस एकाग्र की ओर जाने के लिए के रास्ते हैं, साधनाएं हैं, छोटी छोटी, जैसे मान लो कि त्राटक किया जाता है, किसी बिंदु पर अपने को देखा जाता है, सूरज पर देखो, चांद पर देखो, पहाड़ की चोटी पर देखो, अपने श्वास का निरीक्षण करो, दिल की धड़कनों का करो, विचारों का करो, लेकिन ये सब जो हैं वे वास्तव में एकाग्रता नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधक लोग हैं जो अपने को सिद्ध भी घोषित करते हैं, वे इसी को एकाग्रता समझते हैं, परंतु यह एकाग्रता नहीं। एकाग्रता तो सिर्फ भगवान में ही चित्त लगाने में है, और कहीं एकाग्रता नहीं। बात समझ रहे हो? तो यह भगवान ने कहा है कि तुम मुझ में ही अपने चित्त को लगाओ, तो वह जो है तुम एकाग्र हो। और उसने कहा है कि कैसे तुम कर सकते हो ऐसा, उसका भी भगवान ने उत्तर दिया है। असंशयम महाबाहो मनोर्दूर निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते। कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मन को एकाग्र करना काफी दुरूह है, लेकिन अगर तुम अभ्यास करोगे और तुम्हारे में वैराग्य होगा। कैसे होगा एकाग्रता, कैसे होगी? तो उसका भगवान ने यहाँ पर दो शर्त बताई है, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तुम मान लो इस दिशा में जा रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो, इस दिशा में, इंद्रियाँ जितनी तुम्हारी दस इंद्रियाँ दसों दिशाओं में जा रही हैं, तो ये दसों दिशाओं में जब जा रही हैं तो कहाँ एकाग्रचित तुम हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। कब हो सकते हो? जब वो जो है
जब ये सारी इंद्रियों की जो दिशा है ये बंद हो जाए तो वैराग्य हो जाएगा। यानी जब हम नहीं जाते हैं कहीं, बंद हो जाते हैं, कहीं नहीं जा रहे किसी दिशा में, ना आँख से कुछ देख रहे हैं, ना कान से कुछ सुन रहे हैं, ना त्वचा से कोई स्पर्श कर रहे हैं, ना नाक से कुछ सूंघ रहे हैं, ना जीभ से कुछ स्पर्श कर रहे हैं, ना हाथ से, ना पैर से, ना किसी चीज़ से, हम कहीं कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई गतिविधि नहीं कर रहे होते हैं तब हमारी सारी इंद्रियां शिथिल शांत हो जाती हैं और तब वैराग होता है। वैराग उसी को कहते हैं। वैराग का मतलब राग नहीं रहा, राग का मतलब हो गया कि अब संयोजन वियोजन नहीं हो रहा है, स्पर्श ही नहीं हो रहा है, तो वह वैराग की स्थिति होती है। समझ गए? राग से हम उपराम हो गए, आसक्ति से उपराम हो गए, अलग हो गए, हट गए, आसक्ति से हम आगे निकल गए, अनासक्त हो गए। तो और उसका जो अभ्यास है, और अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है सिर्फ भगवान में ही अपने को लगाना, वही अभ्यास है। और उसके पहले और भी जो अभ्यास है, छोटे मोटे अभ्यास माने जा सकते हैं, योगा अभ्यास वगैरह हैं ये सब तो, लेकिन मुख्य अभ्यास वही है कि हर समय भगवान का ही चिंतन करना, भगवान में ही अपने मन को लगाए रखना, उन्हीं को अपना आश्रय बनाना, उन्हीं के सहारे रहना, उन्हीं को अपना स्वामी मानना, उन्हीं को सब कुछ मानना। तो और जितने भी तत्व हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब भगवान ही हैं ऐसा समझना, यही जो है अभ्यास, और कोई अभ्यास नहीं है, बाकी अभ्यास सार्थक नहीं होंगे। तो इस तरह का जो अभ्यास है और इस तरह का जो वैराग है, उससे ही मन एकाग्र होता है। बात समझ में आ गई बेटे? हाँ, पहले तो इन सब चीज़ों की तुम्हारी मांग नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे में मांगे नहीं होनी चाहिए, रुचि नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी मांग है, कोई रुचि है, तुम जबरदस्ती, एक तो होता है जैसे मान लो तुम्हें सिगरेट पीने की इच्छा है फिर भी तुमने सिगरेट फेंक दिया, एक तो वह इच्छा हुई। हाँ, एक तरह तो उस तरह से तुम उससे अलग हुए। तो अगर संसार की इच्छा है और फिर संसार से अपने को हटा लिए तो भी संसार तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही रहेगा। बात समझ रहे हो? जब उसके प्रति कोई रुचि ही नहीं है, जब उसमें तुम्हारा मन आकर्षित होता ही नहीं, जाता ही नहीं उधर, वह जो है वैराग है वास्तव में। अगर उसकी रुचि ही है तो फिर तुम संसार तो कहीं भी बना लोगे ना, दिमाग में तो संसार बना रहेगा ना, तो संसार तो बन जाएगा, फिर संसार बना ही हुआ है। फिर जब दिमाग में भी संसार नहीं हो, जब संसार में उन जो चीज़ें हैं उनकी कोई कामना ही नहीं है तुम्हारी, और संसार क्या है? कामना, और कुछ नहीं है संसार। कामना को ही संसार समझना, ये मत समझना कि ये जो वस्तुएं हैं ये संसार हैं। वस्तुएं तो रहेंगी रहेंगी, बस तुम अपनी कामना को वहाँ से हटा लो। बात समझ में आ रही है? और वह जो चीज़ जो तुम्हें वस्तु रूप में दिखती है, वह चीज़ तुम्हें भगवान रूप में दिखे तो वह कामना नहीं रह जाएगी, या वह अगर तुम समझो तो वह बहुत वो प्रेम के रूप में बदल जाएगा। वह जो तुम वस्तु रूप में देखते हो वह तुम फिर भोग के रूप में देखोगे, और जो तुम वस्तु रूप में नहीं देखते हो वही वस्तु जब तुम्हें भगवान रूप में दिखती है तब तो फिर तुम उसको पूजा पवित्र रूप में देखोगे ना, तब तुम भोग रूप में नहीं देखोगे उसको, तब तो पूजा के अर्थ में देखोगे। तो यही वस्तुएं, यही संसार अंततः तुम्हारे लिए स्वर्ग हो जाता है, यही संसार अंततः तुम्हारे ईश्वरमय हो गया, फिर तुम्हें क्या पाना है? सबसे बड़ी बात होती है जो पारिवारिक मोह माया होती है ना, उससे हटना, उससे विमुख होना जो है ये बहुत कठिन होता है। पारिवारिक ना पारिवारिक कुछ नहीं होता बेटे, तुम्हारी अपनी कामना होती है। परिवार को तो तुमने एक साधन बनाया ना अपनी कामना की पूर्ति के लिए, और परिवार कुछ नहीं है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए तुमने जिसको साधन बनाया वो तुम्हारा परिवार हो गया। जब वो कामना नहीं रह जाएगी तो वह आदमी वही रहेगा, परिवार वही रहेगा, परंतु अब वे भगवान स्वरूप होंगे। वे जो तुम्हारे लिए अभी माता पिता के रूप में हैं, जो तुम्हारे माता पिता के रूप से संबंध से हैं, वे तुम्हारे लिए भगवान के संबंध से रूप रहेंगे। वह अंतर आ जाता है, वो दृष्टि बदल जाती है। जिसे तुम अभी माँ कहते हो, बाप कहते हो, पत्नी कहते हो, उसी पत्नी को तुम भगवान समझने लगोगे, तब तुम वही पत्नी फिर तुम्हारे लिए कितनी सुखकारी हो जाएगी।
वह जिसे तुम अभी बेटा कहते हो वही जब भगवान के रूप में हो जाएगा। आखिर भगवान ने जब अवतार लिया तो अभी किसी के बेटे ही बने, लेकिन यशोदा के लिए भी सुखकारी हुए कि नहीं हुए, क्योंकि वो जान रहे कि ये भगवान है। थे बेटे ही तो वह सुखकारी हो जाएगा, परम सुखकारी हो जाएगा। तो तुम्हारे ही बेटे रहेंगे लेकिन वो तुम्हें भगवान मालूम पड़ेंगे, तुम्हारी पत्नी रहेगी लेकिन वो भगवती मालूम पड़ेगी, तुम्हारे माँ बाप रहेंगे लेकिन वो भगवान मालूम पड़ेंगे। फिर तुम उसे माँ बाप के रूप में संबोधित नहीं करोगे। जब हम सभी को संबोधित सिर्फ भगवान के ही रूप में करते हैं और समझते हैं, उस वक्त ही जो है हम मुक्त होते हैं माया से। ये बात समझ लेना। रिश्ते तो सामान तो ये आदमी तो यही रह जाएंगे ना, बस हमारा वह नज़रिया बदल जाएगा कि हम इसको माँ कहेंगे, हम उसको अपना मित्र कहेंगे, इसको ये कहेंगे। भगवान कृष्ण तो अर्जुन के मित्र थे ना, परंतु अर्जुन जब जान गए कि ये भगवान हैं तो नज़रिया बदल गया ना, तो वो नज़रिया बदल गया, फिर वो पूजनीय हो गए। तो तुम्हारे मित्र जो हैं, जब तुम अपने मित्र को भगवान मानने लगोगे तो वो नज़रिया तुम्हारा बदल जाएगा। जब तुम अपने शत्रु को भगवान मानने लगोगे तो नज़रिया बदल जाएगा, और शत्रु को भगवान मानना बहुत कठिन होता है, होता है ना। लेकिन ज्ञान की पहचान वहीं पर होती है। जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं वे ही बतलाती हैं कि वास्तव में ज्ञान की ऊंचाई कहाँ है। सामान्य परिस्थिति में तो हर आदमी एक ही जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन परिस्थितियों को अगर जटिल बना दिया जाए, कठिन बना दिया जाए, तो आदमी में अंतर समझ में आ जाता है। इस आदमी की क्वालिटी क्या है, इस आदमी की क्वालिटी क्या है, तो ज्ञान की पहचान शत्रुओं के बीच हो जाएगी। वास्तव में जो ज्ञानी होता है उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता है उसके लिए, तो वास्तव में सब भगवान ही होंगे। क्या शत्रु क्या मित्र, उसकी तरफ से शत्रुता है, इसकी तरफ से कोई शत्रुता नहीं, उसकी तरफ से मित्रता है, इसकी तरफ से कोई मित्रता नहीं, उसकी तरफ से पितृत्व है या पुत्रत्व है, इसकी तरफ से न पितृत्व है न पुत्रत्व है, इसकी तरफ से तो बस सब भगवान ही भगवान है। बस वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सिर्फ सब वासुदेव ही हैं, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। तो सब वासुदेव ही समझो, फिर कोई परिवार नहीं झंझट है। परिवार क्या झंझट है, परिवार झंझट नहीं है, परिवार कोई बाधा नहीं है, हमारी कामनाएं बाधा हैं। लोग कहते हैं परिवार को छोड़ के चले जाएंगे, परिवार को छोड़ के कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ परिवार बनाओगे, परिवार तो जहाँ जाओगे वहीं बनेगा ना। उस परिवार में तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे लेकिन तुम्हारे मित्र रहेंगे, हितैषी रहेंगे, शत्रु रहेंगे, उसमें ये सब पेड़ पौधे रह सकते हैं, पशु पक्षी रह सकते हैं, ये सब ये भी तो परिवार हो जाएंगे, प्रकृति की परिवार बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। तुम जहाँ जाओगे आखिर वहीं न जाओगे जहाँ पर जीवन का वास है, क्योंकि जीवन रहेगा तभी तुम भी जियोगे, तो वे सब परिवार बन जाएंगे तुम्हारे लिए। और परिवार का जो बीज जैसे संस्कार है वो दिमाग में ना है, इसलिए उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे हिमालय में था, मैं एक बार की घटना बता रहा हूँ, एक वहाँ पर संत थे, बहुत दिनों से थे, 200-250 वर्ष से थे वे वहाँ, और बहुत वृद्ध हो गए थे, और वहाँ पर वे अपना तपस्या वगैरह करते थे। तो मुझे तो कुछ दिन ही वहाँ रहने का मौका मिला उनके साथ, लेकिन उन्होंने मुझे अपना दुख दर्द सुनाया। वे वहाँ से अपने घर परिवार को छोड़ करके हटे हुए कितने वर्ष से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग में परिवार ही घूम रहा है सिर्फ। वे मुझसे कहने लगे कि मेरी लड़की तो अब जवान हो गई होगी, क्या हुआ होगा, उसकी शादी हुई होगी नहीं हुई होगी, किससे हुई होगी, कैसे रह रही होगी, हाँ वो उसके विषय में सोच रहा है वहाँ बैठ करके गुफा में। मैंने कहा कि तब आप वहीं जाके मिल क्यों नहीं लेते हैं, आने कोई मतलब ही नहीं है फिर। हाँ, जब आप यहाँ बैठ करके सोच ही रहे हैं भाई, तो आप तो एक तरह से परिवार में ही हैं, जब यहाँ पर रहकर परिवार का ही चिंतन करते हैं तो। हाँ, और परिवार को परिवार के लिहाज से देखते हैं, भगवान के लिहाज से तो देख नहीं रहे आप नहीं। तो फिर आप वहाँ जा करके उसको देख ही ले लड़की को, आपको शांति कुछ मिलेगी, कुछ उपाय आप कर लेंगे। कहे नहीं, गुरु जी ने मना किया मुझे,
मैं नहीं जाऊंगा। ये तो मैंने कहा कि आप भौतिक रूप से तो ठीक है, आप अलग हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से तो आप वहीं पर है ना, और आपका दिमाग जहाँ है वास्तव में आप वहाँ पर हैं। हाँ, तो कहे कि नहीं मैं जाना नहीं चाहता, हाँ लेकिन यादें आ रही हैं, ये बात सच है। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे यादें ही ना रहे। उन्होंने मुझे कहा मन को रोक नहीं सकता है कि या आप ऐसा उपाय बताएं कि हमारी वो याद ही नहीं रहे, मुझे याद ही ना आए, तो इस तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं उपाय वो अभी बता दूंगा, आप कर सको तो कहे ठीक है बताइए। तो खैर मैंने उनको बताया, वो अलग मामला है। मेरे कहने का यहाँ पर इतना मतलब है उदाहरण का कि एक व्यक्ति हिमालय की गुफा में बैठ करके अपने परिवार के विषय में सोच रहा है, तो परिवार से वो अलग कहाँ हुआ? परिवार तो उसके दिमाग में है ही है, और बहुत बिगड़े अर्थ में है, विकृत अर्थ में है, और बहुत ज्यादा भयानक रूप धारण किया हुआ है, और हर समय वो परिवार का ही चिंतन करता रहता है। हाँ वो बहुत सही बात बोले हो, फिर वो कहीं का नहीं है ना, धोबी का गधा जैसा है, न घर का न घाट का। हाँ वो परिवार में भी रह करके कुछ मदद कर लेता, परिवार में रहता तो वहाँ भी नहीं है, और भगवान के प्रति भी श्रद्धालु नहीं है कि भगवान का भी चिंतन नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल अलग थलग होकर के बैठा हुआ, वो जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसको साधना की केमिया नहीं मालूम है, साधना का विज्ञान नहीं मालूम है, उसके गुरु ने ढंग से कुछ उसको समझाया नहीं। चंद्रगुप्त जब वहाँ सुने हो ना कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की, जब वो नंद की लड़की के साथ जब उसका आकर्षण हो गया, तो चाणक्य जो है वो अचंभे में पड़ गया, और चाणक्य ने खुद कहा कि मैंने चंद्रगुप्त को बहुत कुछ सिखाया लेकिन यार नहीं सिखा पाया। ये लाइट नहीं जलता क्या गुरुजी? नहीं, दोनों खराब हो गया है। हाँ आर्मी में थोड़ा मतलब आर्मी का ज्वाइन करना, तो सुरमे से मतलब थोड़ा दौड़ उड़ कहीं सब वगैरह मतलब सब चलता है, तो आर्मी का मतलब सोच हम लोग का ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा पढ़ाई को इतना नहीं मतलब तो फोकस किए, फिर अब यही मतलब कर रहे हैं। बी ए में फॉर्म डाले थे, मेरा द्वितीय अर्थ है, तो फिर बी ए का बी ए मतलब था, तो फिर उसमें ए भी नाम लिखाने जा रहे हैं, फर्स्ट लिखाना है। जब व्यक्ति का चित्त कई दिशाओं में बढ़ जाता है, जब उसके दिमाग में स्पष्ट कोई नक्शा नहीं होता, मानचित्र नहीं होता, तो कैसे वो किसी स्थान पर पहुंच सकता है? हमारे मस्तिष्क में अभी कोई चित्र नहीं बन पाया सही कि कहाँ मुझे जाना है, कोई नक्शा नहीं है, तो ऐसे में तुम बिल्कुल भ्रांत रूप में जियोगे।